राधे राधे। कल आप लोगों ने पिसी माँ की भावभीनी वात्सल्य में कथा का श्रवण किया था। आज भी श्री वृंदावन धाम की एक संत माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये विचित्र बात है कि कभी कभी ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं जिसके अंदर भाव प्रकट भी अभी नहीं हुआ हो। ऐसी एक कथा आज आपको सुनने को मिलेगी। बंगाल में एक वनमाली राय नाम के बहुत बड़े जमींदार थे। वनमाली राय, वो भगवान के भक्त भी थे। उन्होंने जगत बंधु सुंदर जी महाराज से दीक्षा ली थी। जगत बंधु सुंदर जी बहुत महान सिद्ध पुरुष थे, उनकी कथा हम पहले सुना चुके हैं। वनमाली राय भगवान के भक्त की सेवा, संतों की सेवा करते थे। गुरु की कृपा से एक बार वे गंगा में विशेष पर्व पर स्नान कर रहे थे। वहीं पर गंगा जी में जब डुबकी लगाए तो उनके छाती से आकर कुछ लगा, तो बड़े आश्चर्य में तुरंत अपना हाथ फैलाए तो उन्होंने देखा भगवान कृष्ण के एक श्री विग्रह प्राप्त हुआ उनको गंगा जी में। और वह श्री विग्रह अपने घर ले आए, प्रभु की सेवा करने लगे, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उनका भाव इतना बढ़ा कि जो सेवित ठाकुर जी थे वो उनको स्वप्न में आदेश देने लगे, फिर ध्यान में आदेश देने लगे और लीला भी करने लगे। एक दिन उनके ठाकुर जी ने कहा, तुम अपने परिवार सहित मुझे लेकर के वृंदावन धाम घुमाने के लिए चलो। मेरी इच्छा है, मैं अपने धाम वृंदावन का दर्शन करना चाहता हूँ। तो वे जमींदार साहब वनमाली राय, उनकी धर्मपत्नी, एक छोटी सी लड़की थी, तो वो ट्रेन के द्वारा वृंदावन आए। उस समय रेलगाड़ी चल पड़ी थी, बिल्कुल वही शुरुआत थी रेलगाड़ी की। साथ में बहुत से उनके कर्मचारी लोग भी आए, वो तीनों तो आए ही आए, कर्मचारी लोग भी बहुत सारा टेंट तंबू बहुत सब सुविधाएं सब लेकर के आए थे। और यहाँ मथुरा से वृंदावन वाली मेन रोड के बगल में उनका डेरा तंबू पड़ा। खूब भोजन भंडार, भगवान की सेवा, कीर्तन भजन कथा सब चालू हो गया और बड़े प्रेम के साथ सब कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन जब वो भगवान से कहने लगे कि प्रभु अब तो काफ़ी दिन हो गए, अब तो चलना बंगाल, तो भगवान ने उनसे बोल दिया, मुझे बंगाल नहीं जाना है, यहीं मेरा मंदिर बनाओ। वनमाली राय ने कहा, प्रभु हमारा तो सब कुछ बंगाल में, यहाँ हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम वहाँ जाए बिना कैसे रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा, तुमको यदि मुझसे प्रेम है तो अब तुमको वृंदावन रहना पड़ेगा, मेरा मंदिर बना करके मेरी सेवा करनी है, तुमको बंगाल नहीं जाना है। फिर तो उन्होंने अपने भाई को बुला लिया और अपना सब कुछ जो वहाँ का था ताड़ास स्टेट का सब उनके सौंप दिया उनको, और यहाँ एक मंदिर बनाया। ताड़ास स्टेट का मंदिर होने के कारण पहले ताड़ास मंदिर कहा जाता था, बाद में उसको तारास मंदिर कहने लगे। वो मंदिर रामकृष्ण मिशन के बगल की गली में है। तो धीरे धीरे भक्ति भाव इतना उन लोगों का अच्छा होता गया कि वृंदावन में भी भक्त लोग जान गए और वहाँ आने लगे। एक दिन घटना ये घटती है कि जब वो सेठ सेठानी अर्थात तो जमींदार साहब, उनकी धर्मपत्नी, छोटी बच्ची, ये लोग भगवान के पास गए मंदिर में, तो वो लड़की हंसने लगी, 4-5 साल की लड़की थी। उसने कहा, माँ देखो ये कन्हैया कैसे आँख मार रहे हैं, मुझे देख देख के हंस रहे हैं, आँख से इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं। दूसरे दिन गई तो फिर ऐसे बोली। उसकी माँ ने कहा, मुझको तो कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है, तो ऐसे कैसे कह रही। तीसरे दिन फिर बोली। फिर कई दिन तक ऐसे रोजाना कहती थी।
फिर भगवान से उस सेठ जी ने, वनमाली राय ने पूछा, जमींदार साहब जो थे वहाँ के, राजा कहे जाते थे उस स्टेट के, उन्होंने पूछा, प्रभु मेरी कन्या को रोजाना ऐसे आप दिखलाई पड़ते हो, हमको तो नहीं दिखलाई पड़ते। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारी कन्या मेरी लक्ष्मी की अंश है, ये गोपी है गोलोक की, और ये आई है मुझसे मिलने के लिए, इसका विवाह मेरे साथ कर दो। अब भगवान की आज्ञा सुन करके वनमाली राय जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने बड़े प्रेम के साथ कन्या का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद क्या घटना घटती है कि वो लड़की बीमार हो गई, ऐसी बीमार हुई कि कोई भी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर सब हार करके चले गए और वो ठीक नहीं होती थी। तो फिर भगवान से ही प्रार्थना किया वनमाली राय ने कि प्रभु ये क्या लीला आपकी है, आपके साथ विवाह हुआ और कन्या इतनी भयंकर बीमार पड़ गई। तो भगवान बोले कि तुमने कन्या की शादी की तो क्या विदाई नहीं करोगे, अब इसकी शादी हो गई है, अब तो ये जाएगी गोलोक धाम, इसके लिए क्यों परेशान हो, जाना इसको, अब इसकी विदाई की तैयारी करो। तब दोनों सेठ सेठानी रोने लगे, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो बड़ा भारी दुख होगा इसके वियोग का, फिर मैं इसका दर्शन कैसे करूँगा। बोले दर्शन करने का मन है तो मेरे मंदिर के सम्मुख एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ से तुम इसकी प्रतिमा बनाओ, अपनी कन्या की एक मूर्ति बनाओ और इस मंदिर में मेरे बगल में उसको बिठाओ, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। वनमाली राय ने वही किया, पेड़ की लकड़ी से मूर्ति बना करके भगवान के मंदिर में बगल में विराजमान करके प्राण प्रतिष्ठित कर दिया और दोनों की सेवा करने लगे। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन कन्या की विदाई हो गई, अर्थात शरीर छोड़ दिया। वनमाली राय और उनकी धर्मपत्नी इतने भक्त थे कि उनको अभी समझ में आ गया था कि ये गोलोक धाम की हैं, ठाकुर जी की गोपी है, इसलिए चली गई और मंदिर में तो हमारे विराजमान है ही। थोड़ा दुख जरूर होता था लेकिन भक्ति इतनी ऊंची थी कि वो दुख उससे दब जाता था। दोनों लोग बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करने लगे, बंगाल फिर नहीं जाते थे कभी भी। फिर एक घटना क्या घटती एक दिन कि वो वहाँ के रिवाज के अनुसार एक दिन मंदिर में पर्दा डाला हुआ था, भोग लग रहा था और बाहर आंगन में वो बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। वनमाली राय जी जब हुक्का पीने लगे तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि दामाद को हुक्का पिलाए बिना तुम पीने लगे। दामाद का तात्पर्य कन्या की शादी जिससे हुई वो दामाद हो गया, तो कन्या की शादी ठाकुर जी से हुई इसलिए ठाकुर जी दामाद हो गए। दामाद को जवाई भी बोलते हैं इसलिए ठाकुर जी का नाम जवाई ठाकुर पड़ गया, और तरास मंदिर में जो प्रभु विराजमान हैं उनको जवाई ठाकुर जी कहा जाता है। पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आई थी कि दामाद को हुक्का पिलाए बिना तुम पीने लग गए, इसको सुनते ही वनमाली राय भाव विभोर हो गए, रोने लगे और कहने लगे, प्रभु हमसे गलती हुई, हमने ख्याल नहीं किया था कि हुक्का पहले आपको पिलाना चाहिए। बात ये थी कि वहाँ बंगाल में जहाँ के वो रहने वाले थे तारास स्टेट के, वहाँ ये रिवाज होती थी कि घर में एक जवाई आया है, दामाद आया है, तो पहले हुक्का उसको पिलाओ बाद में खुद पियो। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी भगवान से और कहा कि ये गलती अब कभी नहीं होगी और रोजाना पहले हुक्का का भोग आप लगाएंगे उसके बाद हम लेंगे। भक्तों ये एक सिद्ध भक्त की कथा है, ये अनुकरणीय नहीं है, हुक्का साधक के लिए वर्जित होता है किंतु एक सिद्ध पुरुष और भगवान के लिए कुछ भी वर्जित नहीं होता है, उनकी होड़ उनकी नकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर रोजाना भगवान का जब भोग लगता था
तो हुक्का का भोग भी साथ में मंदिर में लगता था। और महाराज केवल इतनी ही बात नहीं है कि भोग लगता था, हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ पर्दे के बाहर भी भक्तों को सुनाई पड़ती थी। केवल वनमाली राय को ही नहीं, वहाँ पर जितने भक्त होते थे सबको हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई पड़ती थी, और उनके पूरे जीवन काल तक ये रोजाना होता था। हुक्का तो आज भी विराजमान है ठाकुर जी के मंदिर में, किंतु वनमाली राय जी के जाने के बाद वो हुक्के की गुड़गुड़ाहट अब नहीं सुनाई पड़ती है। भोग जरूर लगाया जाता है, हुक्के का भी और ठाकुर जी का राजभोग भी लगता है, रीति रिवाज का पालन किया जा रहा है, किंतु वो भक्त के जाने के बाद भगवान की वो लीला अब नहीं हो रही है। यद्यपि वहाँ के पुजारी कहते हैं कि ठाकुर जी अब भी कुछ कुछ लीला करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध ठाकुर हैं, मंदिर के श्री विग्रह ऐसे तरास मंदिर के जमाई ठाकुर जी महाराज, और उनके परम भक्त बनमाली राय जी, और उनकी छोटी सी बेटी जिसका विवाह भगवान के साथ हुआ, गोपी थी, लक्ष्मी की अंश स्वरूपा थी, उन सब महान विभूतियों को बार बार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।